हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्या लाइफस्टाइल। मैं हूँ सौम्या। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ। जो मम्मी है वो तो उसे देखकर खुश हो जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मम्मियों के लिए है, या तो जो मम्मी बनने वाली हैं तो उनके लिए है। सो बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो जो मम्मियों की लाइफ होती है, जब मम्मी बन जाते हैं तो लाइफ थोड़ी सी टफ हो जाती है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। क्या होता है कि हमें जब भी कभी कहीं जाना होता है तो बहुत सोचना पड़ता है हम कैसे मैनेज कर पाएंगे बच्चों के साथ। थोड़ा सा टफ हो जाता है। मेरा भी बेटा है, 3 साल का होने वाला है, तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो दो टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। पहला है कि जब हम कभी सफर पे जाते हैं अपने बेटे के साथ, बच्चों के साथ, तो उसे किस तरीके से उसका पैक करें, सामान कैसे क्या लेके जाएं, और दूसरा उनके खाने से रिलेटेड कि यदि सफर पर जाते हैं बच्चों के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो क्या क्या हम अपने साथ कैरी करें कि हम अपना अच्छे से एंजॉय कर सकें और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो वीडियो को स्टार्ट गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ये डाइपर बैग शेयर करने वाली हूँ, इसका पूरा रिव्यू देने वाली हूँ। ये मैंने 1.5 साल या 2 साल पहले लिया था अपने बेटे के लिए। सो ये बहुत हेल्पफुल लगा मुझे, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जिनके से भी बच्चे हैं तो उनको भी अपनी लाइफ थोड़ी सी मुश्किल लगती होगी, सो उनकी लाइफ इजी बनाने के लिए मैंने सोचा इसे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगी, कहाँ से परचेस की, कैसा है, और मैं इसे कैसे अरेंज करती हूँ, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या आप देख सकते हैं, ये इसका बैक साइड है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि बैकपैक का काम करता है, बैकपैक है। इसे आप आसानी से पीछे हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं, और तो इसमें इस तरीके से भी इसे आप कैरी कर सकते हैं। सो आप वाइफ या हस्बैंड कोई भी इसे कैरी कर सकता है बहुत इजीली, बहुत आराम से। सो आप 3 साल तक के बच्चे के लिए तो आराम से इसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद तो थोड़ी सी लाइफ इजी हो जाती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। सो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो ये वॉरोली कंपनी का है। सो ये मैंने इसे अमेजोन से ही परचेस किया था। आई थिंक उस टाइम मैंने 1300 में इसे बाय किया था, और हो सकता है अभी ऑफर चल रहा हो। सो मैं चेक करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और आप लोग देख सकते हैं ये कुछ ग्रे कलर में है, इसमें और भी कलर थे बट मैंने यही पिक किया था। देन इसके बाद इसकी जो चेन है ये गोल्डन कलर की है, आप लोग यू कैन सी, इसकी जो सारी चेन है गोल्डन कलर की है। देन ये यहाँ पर ऊपर जो ये दिए गए हैं, इन्हें लॉक करने के लिए कुछ इस तरीके का ये बैंड दिया हुआ है। सो इसे आप इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। देन इसे इसके इसको हम जब ओपन करते हैं इस वाली फर्स्ट वाली चेन को, तो ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से फॉइल लगी हुई है, एल्यूमिनियम फॉइल तीनों में ही लगी हुई है। इसमें 3 पॉकेट दिए गए हैं, 1, 2, 3। इसमें आप अपने बच्चों के लिए बॉटल रख सकते हैं, मिल्क की बॉटल रख सकते हैं, डिफरेंट चीजें रख सकते हैं। देन यहाँ पे आप ये एक पॉकेट, तो यहाँ पर भी आप अपना कुछ भी नैपकिन हो गया, कोई भी चीज इस तरीके की चीजें रख सकते हैं। देन एक ही है तो इसमें आप सैनिटाइजर रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना स्पेस हमें मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। सो ये एक अलग से बैग हो जाएगा जिसमें आप अपने बच्चों के लिए पूरा सामान अरेंज करके रख सकते हैं। तो कहीं जाते हैं तो ट्रेवलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, या कहीं पे भी जाना है तो कोई भी चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत सारे पॉकेट्स हैं। देन इसके बाद ये बाहर का हो गया, हम बैक साइड पे देख लेते हैं। सो बैक साइड पे इस तरीके से 2 हुक दिए हुए हैं। देन इसके बाद यहाँ पर एक जिप दी हुई है, ये वाली। तो इसका मुझे कोई यूज समझ नहीं आया, क्योंकि इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये अंदर वाला जो, 1 सेकेंड, इससे क्या होता है, ये अंदर वाला ये ओपन हो जाता है। ये अंदर से जो ओपन होता है नहीं, वो ये भी हम दिखाएंगे। देन इसके बाद एक जिप यहाँ पर दी हुई है, इसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, या कोई भी पर्सनल जो आइटम्स होते हैं आप उसे अपना रख सकते हैं। अभी मैं इसे अच्छे से आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से जब मैं इसे अरेंज करूंगी, बट एक बार ऐसे डिटेल में मैं बता देती हूँ। देन इसे जब हम अंदर ओपन करते हैं, अब हम इसमें अंदर देख लेते हैं।
इस तरीके से बहुत आसानी से जिप ओपन हो जाती है, जिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसमें आप देख सकते हैं इतना स्पेस आपको मिलता है, इतने सारे पॉकेट्स आपको मिलते हैं। आई होप यू कैन सी गाइस। देन ये आपको एक हुक दिया हुआ है, इसमें आप अपनी कीज हैंग कर सकते हैं। सो गाइस ये मेरा डायपर बैग है मेरे बेबी का, इसमें मैं आपको सारा सामान अरेंज करके दिखा रही हूँ कि इसमें आप किस तरीके से अपना सामान अरेंज कर सकते हैं। सो ये मैंने फर्स्ट वाली जिप ओपन की है, इसमें कुछ इस तरीके से पॉकेट्स बने हुए हैं। देन ये जो नेट वाला पॉकेट ऊपर दिया हुआ है, इसमें मैं कुछ मेडिसिन और जो सैनिटाइज़र वगैरह जो भी सामान मुझे जल्दी से चाहिए होता है वो चीज़ें मैं इसमें रख लूँगी, ताकि मुझे कोई भी चीज़ ढूँढना ना पड़े। सो इस तरीके से मैं कुछ इसे अरेंज करती हूँ। इस सेक्शन में मैं नैपकिन टॉवल जो भी मुझे चाहिए होता है तो वो उसके लिए मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। देन ये जो सेक्शन नीचे दिए गए हैं ये मिल्क वगैरह रखने के लिए हैं, तो यहाँ पे आप मिल्क की बॉटल रख सकते हैं। अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। देन इस साइड वाले सेक्शन में वाटर बॉटल रख सकते हैं। देन ये जो सेकंड दूसरे साइड पे ये सेक्शन दिया गया है ये है वाइप्स रखने के लिए, तो मैं यहाँ पे वाइप्स और कुछ टिश्यूज रख लेती हूँ। यहाँ से इजीली आप वाइप्स निकाल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पॉकेट बनाया गया है। देन इसके बाद जो ये पीछे वाला पॉकेट है इसमें आप अपना चार्जर रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं। अब इसमें मैं अंदर वाली जिप जो है ओपन कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से ओपन हो जाता है। देन आप इसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस हमें मिल रहा है। सो एक पॉकेट ये है, इसमें आप अपने बच्चों के लिए जो भी आप सामान रखना चाहें रख सकते हैं। बहुत सारे सेक्शन हैं गाइस, आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन दो सेक्शन इस साइड पर हैं जहाँ पर मैंने क्रीम्स रखी हुई हैं बेटे की। देन ये अनदर सेक्शन है, साइड में भी एक सेक्शन दिया हुआ है। देन एक साइड पे दूसरे साइड पे जो सेक्शन है उसमें मैंने डाइपर कैरी किए हुए हैं। सो अभी मैंने थोड़ा बूढ़ा अरेंज करके दिखाया है। इसमें आप नीचे या तो डायरेक्ट कपड़े रख लें या कोई पॉलीथिन में आप जो भी एक दो जोड़ी जितने भी कपड़े रखना चाहते हैं रख लें। देन उसके ऊपर से आप इतना अच्छे से ये ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं। देन उसके ऊपर से आप अपने बच्चों के लिए जो भी नाश्ता वगैरह रखना चाहते हैं, जो भी बिस्किट चिप्स या जो भी आप चाहते हैं उसको ऊपर से आप रख सकते हैं। कुछ आप अपना सामान भी रख सकते हैं, बहुत स्पेस है इस बैग में। सो मुझे तो ये बैग बहुत यूज़फुल लगा, यदि आपको भी यूज़फुल लगे तो आप भी इसे ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अमेज़ोन से मैंने परचेज़ किया था। इसमें टोटल 15 पॉकेट्स दिए हुए हैं, ये बच्चों के हिसाब से ही बनाया गया है। सो गाइस यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। ये एक लॉक दिया हुआ है, इसमें आप अपनी की को हैंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।